Hello dear students. How are you today? I hope you all are fine and alright. Okay. So today we are going to learn English grammar in English reader book. So, um, so open your book, page number 31. So write down. See it out. डब्लू एंड डेट डे ओके सो आज हम रीड करेंगे लर्न करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स यस yes, वर्णन करने वाले शब्द नाउन का जो नाउन के बारे में जो अपने को अधिक जानकारी देते हैं उस वर्ड्स को क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सो यहाँ पे कलर नेम्स दिए गए हैं हमें कलर लिखना है ओके सो ड्रेस ड्रेस क्या है नाउन है क्या है नाउन सो पर ये ड्रेस किस कलर का है विच कलर दिस ड्रेस यस पिंक सो राइट डाउन पिंक ड्रेस अभी पिंक क्या हो गया यस डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड ए यस एप्पल एप्पल लिखा गया सो रेड एप्पल तो एप्पल है ये क्या है फ्रूट नाउन है बट वह कैसा है रेड है सो so, रेड क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड देन अ अम्ब्रेला अ अम्ब्रेला अम्ब्रेला कैसा है विच कलर यस ब्लैक बी एल ए सी के ब्लैक सो ब्लैक क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अ यस यस yes, कौन कलर की रहती है यस ग्रीन सो अ अप अ लिप सो अ ग्रीन लिप मींस हरी तो ग्रीन क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड और लिप क्या हो गया नाउन थिंग्स नाउन ओके सो अ अब यस क्या Which color this? Yes. Yellow. So, yellow describing word. A yes. Yes. Which color? Brown. So, B R O W N Brown. Brown shoes. Okay. Brown shoe. एक ही है सो so, शू लिखा है यहां पे सो अ ब्राउन शू तो ये ब्राउन क्या हो गया कलर नेम क्या हो जाएंगे हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड नंबर्स नंबर्स भी डिस्क्राइबिंग वर्ड में आते हैं ओके ग्रैप्स यस बिच कलर यस पर्पल कलर ओके बिच कलर

ब्लू पेंसिल ये हमारे क्या हो गए हमने क्या फील किया कलर्स नेम पर यह कलर्स नेम क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसे कि आई वियरिंग रेड सॉरी तो सो रेड क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड ओके सो नेक्स्ट लुक एट दिक्चर वाट आर दे सीन यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टायर्ड हमें ये पिक्चर देख के वो क्या कहते हैं तो इसमें हमें क्या फील करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए है टायर्ड सैड स्लीपी हॉट हैप्पी क्रिस्पी क्रिप्स एंग्री नॉइज नोइ ओके टू फील इन द ब्लैक सो यस आई एम यस क्या कह रही आई एम यस यू आर सो आई एम क्या आएगा, यस आई एम सैड ओके आई एम सैड यू आर सो क्यों सैड है क्योंकि वह शोर कर रहे हैं ना नॉइजी जी एन ओ आर एस वाई नॉ ओके आई एम सैड यू आर नॉ मैं दुखी हूँ क्योंकि आप शोर कर रहे हो ओके okay. आप शोर कर रहे हो देन मिस सेन एंग्री is, yes, is, हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स ही वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है ओके ए एन जी एंग्री मिस इन इज एंगी मिसेन को घुस्सा घुस्सा है मिस इन घुस्सा है आई एम नॉट हैप्पी वहाँ गुस्सा है करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है है ना देन लेट्स गिव हर सम यस कॉपी कैसे रहती है कैसे रहती है हॉट ओके सो लेट्स गिव हर सम हॉट कॉपी एंड सम कुकीज अब कुकीज़ कैसे रहते हैं क्रिस्प ओके मॉम इज यस मॉम कैसी है सुई हुई है मतलब स्लीपी ओके मॉम स्लीपी सुई है क्यों क्योंकि वहाँ थकी हुई है सो so, थकान को हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं टायर्ड ओके टी आई आर ई डी ओके आई एम सैड जो ईजी वर्ड्स है हम पहले हम फिल करेंगे वंस अगेन लेट्स गिव हर सम हॉट कॉफी कॉफी हॉट रहती है एंड कुकीज़ कैसे रहते हैं क्रिस्प ओके कुरकुरे सो हमने यहाँ पे हॉट और क्रिस्प यूज किया है मिस सेन इज एंग्री आई एम नॉट हैप्पी आई एम सैड मैं दुखी हूँ क्यों क्योंकि आप शोर कर रहे हो एन ओ आई एस वाई नॉजी मीन्स शोर करना ओके देन मॉम इज स्लीपी मॉम सोई हुई है क्यों क्योंकि वहाँ थकी हुई है सो यू हैव लर्न दिस सेंटेंस रीड दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन ओके एंड सॉल्व इन योर बुक सो टू हियर टूडेज योर होमवर्क ओके okay. यहाँ आपको अपने बुक में लिखना है सो हैव नाइस डे एंड बाय बाय और कल हम देखेंगे थर्टी टू पेज नंबर ओके बाय